अजय मेरू प्रेस क्लब में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। क्लब के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अजय मेरू प्रेस क्लब में आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी उपस्थित सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन किया, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी और कामना करी कि इस दुखद घड़ी में शहीद जवानों के परिवार को भगवान हिम्मत दे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने सरस्वती वंदना शहीदों के लिए कुछ पंक्तियां गई। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष सुरेश कासलीवाल और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। योजिका ने आपको अभी अभी बताया कि यहां पर अजमेर की जो लेखिका मंच है उसमें यहां पर एक इस तरह का कार्यक्रम रखा है जो देशव्यापी है, राष्ट्रीयता से भरपूर है और हमारे दिलों में उन सैनिकों के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा भाव उत्पन्न करता है जो कि आज देश में ज़रूरत भी है। और इसी ज़रूरत को लेखिकाएं अपनी भावनाओं में पिरोकर लिपिबद्ध करके सबके सामने रखेंगी, जैसा कि इस कार्यक्रम का हमने वो बनाया है, जैसा कि हमें बताया गया है। तो अभी वो कार्यक्रम तो पूरा नहीं हुआ, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण कार्य जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियाँ जलाई गई हैं और उनको नमन किया गया है। और इस तरह के कार्यक्रम, जैसा कि सोचा गया है सबके द्वारा, कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और सामयिक प्रासंगिक होंगे, जो भी महत्वपूर्ण विषय होगा उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि वह सभी के दिलों को छू सके और इस तरह लिपिबद्ध किया जाए कि वह समाचार पत्रों में आ सके और सब रूबरू हो सकें और आगे के लिए उससे प्रेरणा ले सकें। 40 महिलाएँ हमारे इसमें साथ हैं और सभी दिल से जुड़ी हुई हैं और इसकी संयोजिका मधु खंडेलवाल जी को बहुत बहुत इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगी कि वे इस तरह से इस कार्यक्रम को पिरो कर और आगे ले जा रही हैं कि सभी आह्लादित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और मैं तो बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगी, सब जो भी यहाँ उपस्थित हैं, और सबको आभार भी प्रकट करना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रमों में वे सब आ रही हैं और भविष्य में आती रहेंगी। मिसेस अरुणा माथुर आहत है और बहुत ज़्यादा दुखी है, तो मुनि तरुण सागर जी की 4 लाइनें हैं, मैं वो बोलना चाहूँगी। अरे ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, अरे ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे तो बेहतर कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। धन्यवाद काजल खत्रिया। आज अजय मेरू प्रेस क्लब के अंदर अजमेर लेखिका मंच को बुलाया गया, यहाँ पर पुलगावा में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी लेखिकाओं ने यही कामना की कि देश में अमन व चैन का वातावरण रहे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। थैंक यू।